नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का ऐलान हो गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू नए सीएजी होंगे। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि हैं, 8 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 5 अगस्त को सूचना आई कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। उनकी जगह बीजेपी के मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे। मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और 2019 में गाजीपुर से चुनाव हार गए थे। जेसी मुर्मू नौकरशाह हैं और अब वे दिल्ली आकर सीएजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुर्मू पिछले 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें उपराज्यपाल बना दिया गया। दि वायर और स्क्रोल में सीएजी को लेकर दो अहम रिपोर्ट छपी है। ये दोनों ही रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हिमांशु उपाध्याय की है। उपाध्याय ने अपने लेख में बताया है कि किस तरह सीएजी की रिपोर्ट की संख्या कम होने लगी है और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में भी देरी की जा रही है। इसी 30 जनवरी को संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन दो ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई। 2018-19 की रक्षा सेवाओं से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट और कस्टम ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन वित्त लेखा यानी फाइनेंस अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं हुई, जिसका इंतजार था। संसद के पटल पर जो दो ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई थी, उन्हें 20 नवंबर 2019 को ही सरकार को सौंप दिया गया था। इन दोनों रिपोर्ट को दिसंबर 2019 के शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता था। परंपरा है कि सीएजी बजट सत्र से पहले फाइनेंस अकाउंट की रिपोर्ट तैयार कर लेती है, ताकि संसद सत्र के दौरान यह लोगों के लिए उपलब्ध हो सके और इस पर बहस हो। इस साल 23 मार्च को जब संसद स्थगित हुई, तब एक भी रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी थी। कब ऑडिट शुरू होगी, कब पूरी होगी, इसकी एक टाइमलाइन तय होती है, मगर इसे अंतिम रूप देने में देरी हो जाती है कभी कभार, लेकिन इतनी देरी नहीं कि 18 से 24 महीने की देरी हो जाए। ग्राफिक्स और तस्वीरों के आधार पर इन रिपोर्ट को तैयार होने में देरी की जा रही है, ऐसा उपाध्याय ने लिखा है। नोटबंदी और रफाल सौदे पर भी सीएजी ने रिपोर्ट पेश करने में देरी की। तब करीब 60 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर रिपोर्ट में हो रही देरी पर चिंता जताई थी और कहा था कि जानबूझकर देरी हो रही है, ताकि 2019 के चुनावों में सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने की देरी हो रही है। क्या हम एक और संवैधानिक संस्था के अवसान यानी पतन को देख रहे हैं? हाल ही में स्क्रोल ने भी एक रिपोर्ट छपी है स्क्रोल में, जिसमें 2014 से 2019 के बीच सीएजी की रिपोर्ट में देरी का पूरा ब्यौरा है। 2014 से 2019 के बीच संसद में सीएजी की 42 रिपोर्ट पेश होने में 90 दिनों से अधिक की देरी की गई। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और संसद में पेश होने के बीच का यह अंतर है। 2014 में संसद में 32 रिपोर्ट पेश हुई थी, 8 रिपोर्ट के पेश करने में 90 से अधिक दिनों की देरी हुई। 2015 में संसद में 31 रिपोर्ट पेश हुई, 6 रिपोर्ट देर से रखी गई। 2016 में 47 रिपोर्ट पेश हुई, जिनमें से 2 देरी से रखी गई। 2017 में संसद में रखी गई 38 रिपोर्ट में से 10 देरी से पेश की गई। 2018 में जब मोदी सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही थी, तब देरी से पेश होने वाली रिपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। 2018 में 17 ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है, जिनमें से 8 90 दिनों से अधिक की देरी से संसद में पेश होती हैं। उसी तरह 2019 में संसद के पटल पर 21 रिपोर्ट रखी जाती है, जिनमें से 7 यानी एक तिहाई रिपोर्ट 90 दिनों से अधिक की देरी से पेश होती है। देरी के अलावा आप देखेंगे कि किस तरह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट की संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। इससे आप यह भी देखेंगे कि आपको अब कुछ दिखाई इसलिए भी नहीं दे रहा है। विनोद राय के कार्यकाल में सीएजी ने अधिकतम रिपोर्ट तैयार की थी। 2010-11 में सीएजी ने 221 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी, जो संसद और विधानसभाओं में पेश हुई। 2011-12 में संसद और विधानसभाओं में 137 ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई थी, 33 केंद्र सरकार और 102 राज्य सरकारों के लिए। 2013-14 के साल में सीएजी ने 134 रिपोर्ट तैयार की थी, 32 केंद्र और 102 राज्य सरकारों के लिए। अब देखिए इसमें गिरावट आती जाएगी। 2014-15 के वर्ष में सीएजी ने 162 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी,
38 केंद्र सरकार और 124 राज्य सरकारों के लिए 2015-16 के लिए सीएजी ने 188 रिपोर्ट तैयार की थी, 53 केंद्र सरकार, 135 राज्य सरकारों के लिए। 2016-17 में 150 रिपोर्ट तैयार होती, 49 केंद्र सरकार और 101 राज्य सरकारों के लिए, लेकिन यहां से संख्या घटने लगती है। 2017-18 में 98 रिपोर्ट तैयार हुई थी, 32 केंद्र सरकार, 66 राज्य सरकारों के लिए। 2018-19 में सीएजी ने 73 रिपोर्ट ही तैयार की, 15 केंद्र सरकार और 58 राज्य सरकारों के लिए। तो आपने देखा कि जब विनोद राय सीएजी थे तब 222 रिपोर्ट तैयार हो रही थी, 2018-19 तक आते आते रिपोर्ट की संख्या 73 हो जाती, कितनी कमी आ जाती है। क्या यह चिंता की बात नहीं है? सरकार जनता से पैसे लेती है, वह खर्च करती है, उसका खर्चा जायज़ है या नहीं है, खर्चा सही तरीके से हुआ है या नहीं, इन सब का अंदाज़ा सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है और इसी आधार पर आप सरकार से जवाबदेही के सवाल पूछते हैं। क्या सीएजी का राजनीतिकरण संपूर्ण हो चुका है? This is not the way to talk to a camera. विनोद राय के समय 2G आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। सरकार को 2,00,000 करोड़ का घाटा बताया गया था। यह एक ऐसी राशि थी जो आम लोगों की कल्पनाओं को झकझोर गई। बाद में इस राशि का पता ही नहीं चला, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इस घोटाले की केंद्रीय भूमिका थी। मीडिया में छपने वाले हेडलाइन में 2 के बाद कई शून्य लगा दिए जाते थे। लेकिन उस 2G घोटाले का क्या हुआ? उस 2,00,000 करोड़ की राशि किसके पास कहां गई, आज तक किसी को पता नहीं है। राशि को बरामद करने के लिए अब छापों की खबरें भी सुनाई नहीं देती। दिसंबर 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने ए राजा, कणिमोई और 15 अन्य लोगों को बरी कर दिया, जिनमें से कुछ प्राइवेट कंपनियों के उच्च अधिकारी भी थे। पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा भी बरी हो गए। स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से बाहर कहा था और मीडिया में छपा था कि अदालत ने कहा है कि सरकारी वकील किसी भी आरोप को साबित करने में बुरी तरह असफल रहे, इसलिए सभी को बरी किया जाता है। सीबीआई जज ओपी सैनी ने 19 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद 27 जनवरी 2020 की एक खबर मिलती है। ए राजा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 2018 के भ्रष्टाचार निरोधी कानून के आने के बाद बरी होने के फैसले को चुनौती देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सीबीआई और ईडी ने इन लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। दिसंबर 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ए बोबडे की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 2G केस से संबंधित अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए अलग बेंच बना दी जाए। कहा गया था कि जनवरी 2020 में अलग बेंच बना दी जाएगी। ये अगस्त 2020 शुरू हो चुका है, मगर अभी तक बेंच की सार्वजनिक जानकारी किसी को नहीं है। यही नहीं, सीबीआई के स्पेशल जज ओपी सैनी के 1552 पन्नों का जजमेंट उन लोगों की स्मृतियों का हिस्सा भी नहीं बन सका जिन्होंने 2,00,000 करोड़ के काल्पनिक घोटाले के आधार पर चुनावों में अपना मत दिया था। मीडिया और सोशल मीडिया के एकाधिकार के दौर में यह फैसला कोई असर नहीं दिखा सका, गुमनामी में खो गया। अक्षरशः तो अनुवाद नहीं है, मगर स्पेशल जज ओपी सैनी की कुछ टिप्पणियों पर गौर किया जा सकता है। दिसंबर 2017 में यह फैसला आया था। जज ओपी सैनी लिखते हैं कि सीबीआई सिर्फ यही कहती रहती है कि केस हाई मैग्नीट्यूड का है। सीबीआई हाई मैग्नीट्यूड और मीडिया हाइप की पीठ पर सवारी नहीं कर सकती है, उस पर आरोपों को साबित करने की जवाबदेही है। अदालती कार्यवाही के अंतिम चरण में ये बातें नहीं चलती हैं, वहां उन सबूतों की जरूरत होती है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सके। सीबीआई ने 0 सबूत पेश किए हैं, निल एविडेंस। केस की क्या प्रकृति है सिर्फ इससे प्रभावित नहीं हुआ जा सकता है। किसी केस का हाई प्रोफाइल होना बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टि में कमी के आधार पर किसी को भ्रष्टाचार का दोषी नहीं ठहरा सकते। 21 दिसंबर 2017 को कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनकी बातें सही साबित हुई हैं और अब विनोद राय को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, पहले तो बात यह है कि 2014 से लगभग हर साल कई ऐसी रिपोर्टें हैं, 40% या 50% रिपोर्टें 90 दिन के बाद
पार्लियामेंट को भेजी जाती हैं, और यही हाल अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का है कि वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अगर 2-3 महीने के 4 महीने के बाद भेजोगे, 90 दिन के बाद भेजोगे, तो उसका जो औचित्य है वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक स्क्रूटनी नहीं होगी, संसद में स्क्रूटनी नहीं होगी, पार्लियामेंट में स्क्रूटनी नहीं होगी, या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्क्रूटनी नहीं होगी और रिपोर्ट लेट आएगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो कई जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, जो सरकार के बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, या आपकी इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है, या नमामि गंगा है, या आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट स्कीम 2018 की है, अगर वो रिपोर्ट आप 90 दिन का उसको डिले करोगे तो निश्चित रूप से उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब वो 2G का मामला हुआ था और उस समय विनोद राय ने ये कहा था कि 7 दिन के बाद रिपोर्ट रखनी चाहिए, और वहाँ तो 1,76,000 करोड़ का प्रिजम्पटिव लॉस होने के बाद इतना बवाल उछला, और उसके बाद जब खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, क्योंकि जब मैटर गया कोर्ट में तो वहाँ जज साहब कहते रहे कि मैं तो सालों साल और महीनों महीने इंतज़ार करता रहा कि कब कोई एविडेंस लाएंगे गलत काम के, और उन्होंने सबको बरी कर दिया। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक विनोद राय साहब ने क्या किया, मतलब कि सरकार को हिला दिया और एक गलत तरीके से सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया, और दूसरी तरफ जब ये सरकार आई है 2014 के बाद तो रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, 90 दिन बीत जाते हैं, और 2019 में तो लगभग 17 रिपोर्ट 90 दिन के बाद आई हैं, 2018 में भी ऐसा ही हुआ है। CBI ने 0 सबूत पेश किया था, निल एविडेंस, 3-4 साल की जांच के बाद ये हालत थी। विनोद राय ने माफी नहीं मांगी और ना ही पता चल सका कि यह रिपोर्ट कैसे तैयार हुई थी। बहरहाल देश की राजनीति उससे काफी आगे निकल चुकी है, मगर कांग्रेस के मन में यह टीस उठती रहती है। इसी 31 जुलाई को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया था कि क्या UPA की सरकार को भीतर से सबोटाज किया गया था, 4 साल बाद तक वे आरोप साबित क्यों नहीं हुए। मनीष तिवारी ने कहा था कि पूर्व CAG विनोद राय ने एक फ्रॉड रिपोर्ट तैयार की थी, एक दिन यह पता करना दिलचस्प होगा कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है और जवाबदेही के दायरे से बाहर है कि क्या विनोद राय ने गलत आंकड़े दिए ताकि उनका राजनीतिकरण किया जा सके। क्या 2 लाख करोड़ की राशि इतनी मामूली है? कांग्रेस आरोप लगाती है कि विनोद राय ने CAG के पद पर बैठकर राजनीतिक मंशा से ये सब किया। CAG की रिपोर्ट में राजनीतिक संभावनाएं होती हैं, घोटाले का अंदाज भी मिलता है, यह भी होता है। तो क्या यह महज संयोग था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब 21 मई 2014 को गुजरात विधानसभा के धन्यवाद कार्यक्रम में गए, तब उन्होंने कहा कि मैं निजी रूप से मानता हूं कि CAG की रिपोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधान के लिए होना चाहिए। मैंने यहां ऐसा सिस्टम बनाया था और अपने लोगों से कहा था कि रिपोर्ट देखने के बाद जमीन पर जाकर समस्या की जड़ का पता लगाओ। 29 अक्टूबर 2014 को तब के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का बयान छपा है कि ऑडिटर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह एक फैसले की समीक्षा कर रहा है जो बहुत पहले लिया जा चुका है। क्या सही प्रक्रिया का पालन हुआ है? उसे सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं है, उसे हेडलाइन के फेर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर को सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, मगर एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। इन 2 बयानों के संदर्भ में CAG रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। ये 2 बयान संवैधानिक व्यवस्था के नए सिरे से भूमि पूजन करते हैं और इसकी शिलाओं को बदल देते हैं। यह कोई नहीं जान सका कि अरुण जेटली जब कह रहे थे कि ऑडिटर को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ प्रक्रिया देखनी चाहिए, हेडलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो वे किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ना ही कोई जान सका कि राजनीतिक इस्तेमाल के बाद प्रधानमंत्री क्यों कह रहे थे कि CAG का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। CAG की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों से हमने 10 बड़े राज्यों में पिछले 5 सालों में हुए ऑडिट पर सरसरी निगाह डाली।
आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों में राजस्व, वित्त, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र, पीएसयू आदि पर नियमित ऑडिट होते रहे हैं। हमने भी देखा कि पिछले 5 वर्षों में ऑडिट रिपोर्ट की संख्या में कमी आ रही है। साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पर रिपोर्ट अब नहीं मिलती है। 2018-19 आते आते जिन सेक्टर और विषयों पर ऑडिट रिपोर्ट टेबल की जा रही थी, उसकी विविधता भी कम होती नजर आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2015-17 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़क कार्य, महिलाओं के सशक्तिकरण पर चलाए गए प्रोजेक्ट आदि का ऑडिट हुआ। 5 साल में बाकी 10 राज्यों में हमें ऐसा ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला। 2017 में तमिलनाडु में बाढ़ नियंत्रण पर ऑडिट किया गया, मगर बिहार में 5 साल में ऐसा कोई ऑडिट नहीं दिखा, जबकि ऐसा नहीं कि वहां बाढ़ नहीं आती है। 2018 में पश्चिम बंगाल में उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण का हाल जानने के लिए ऑडिट हुआ। ऐसा ऑडिट 5 साल में महाराष्ट्र या कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? 2017 में कर्नाटक में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर ऑडिट हुआ। 2015 में तालाबों के संरक्षण पर ऑडिट किया गया। हमें ऐसे ऑडिट अन्य राज्यों में नहीं दिखे। 2017 में मध्य प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट आती है। 10 राज्यों में से किसी और में 5 साल में ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखाई देती है। हो सकता है हमसे कुछ चूक हुई हो, मगर ये रिपोर्ट का ना आना, यहाँ आना, वहाँ ना आना, ये कहीं ज़्यादा बड़ी चूक है। जब किसी सेक्टर का ऑडिट होता है तो उस सेक्टर में सरकार द्वारा किए गए काम का परीक्षण होता है। सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि क्या वादा किया गया था, क्या मिला। जैसे 2019 में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के मैनेजमेंट पर जब रिपोर्ट देखी गई तो पता चला कि मार्च 2018 तक राज्य के जिन 11 जिला अस्पतालों का ऑडिट हुआ था, उनमें केवल 2 में ही आईसीयू था, और वो भी ऐसा जिसमें वेंटिलेटर और अल्ट्रासाउंड मशीन की भारी कमी थी। बिहार के मामले में हमें ऐसा एक भी ऑडिट नहीं मिला। इसलिए जब किसी सेक्टर का ऑडिट होना बंद हो जाता है, तब समझ जाइए कि एक तरह से ये पारदर्शिता का संकट है। नागरिक सूचना विहीन हो जाता है। फरवरी 2020 में संसद में सेना पर पेश की गई रिपोर्ट में सीएजी ने कई खुलासे किए थे, जिन्हें बाद में सेना ने पुराने आंकड़े कहकर दरकिनार कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2015 से 18 के बीच सियाचिन और लद्दाख समेत अन्य उच्च ऊंचाई वाले इलाके में सही कपड़ों और उपकरणों का बंदोबस्त नहीं किया गया था। सैनिकों को बर्फ के लिए खास चश्मे और बूट के बिना और पुराने किस्म के फेस मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग से ही गुजारा करना पड़ रहा था। उपकरणों के इंतजाम में 4 साल की देरी पाई गई। कुछ केस में स्पेशल राशन की कमी से जवानों के कैलोरी इंटेक में 82% तक कमी दर्ज की गई थी। तो हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ। अनुपम जी 2012 में डिप्टी सीएजी के पद से रिटायर हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया में 4 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अनुपम जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, हिंदू बिजनेस लाइन अखबार में खबर है कि सीएजी सरकारी बैंकों की फंड की जाँच करना चाहती है और देखना चाहती है कि फंड की का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन अब खबर आती है कि मुर्मू अगले सीएजी होंगे, तो क्या इस संदर्भ में भी उनका इम्तहान किया जा सकता है कि उनका टेस्ट होगा कि क्या वो बैंकों के फंड की जांच करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, सीएजी की कार्यप्रणाली सीएजी डीपीसी एक्ट पर डिपेंड करती है जो पार्लियामेंट ने 1971 में पारित किया था, और समय समय पर बैंक ऑडिट की बात हमारा डिपार्टमेंट उठाता रहा है। 1990 के दशक में मुझको याद पड़ता है कि एक इस तरीके का प्रपोजल हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा था, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने निगेट कर दिया था कि अगर बैंक का ऑडिट सीएजी करेगा तो बैंक की कार्य प्रणाली के ऊपर कुछ ना कुछ उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, कि शायद उनको लोन देने में कुछ मुश्किलें आए या कुछ इस तरीके ऑडिट की वजह से कुछ दिक्कत आए उनके ऊपर। दूसरा यह है कि अगर बैंक का ऑडिट करना है तो सरकार को कहीं ना कहीं उस एक्ट में चेंज लाना पड़ेगा। अब आपको शायद पता हो कि 2010 में उस समय एक सीएजी डीपीसी एक्ट के लिए संशोधन हम लोगों ने कुछ सरकार को सुझाव दिए थे, तो उन सुझावों पे मैं नहीं समझता कि 2010 से अब तक कहीं भी किस तरीके का काम हुआ है।
तो अगर हमें बैंक का ऑडिट सीएजी को करना है तो उसके लिए सीएजी डीपीसी एक्ट में तो संशोधन लाना ही होगा, उसके बिना तो सीएजी नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगा कि अगर अगर पिछले सीएजी ने ऐसा बोला कि वो बैंक का ऑडिट करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर बैंक की जवाबदेही हमको कहीं ना कहीं रखनी है तो उसका ऑडिट सीएजी पे होना चाहिए। अभी जो पंजाब नेशनल बैंक में और आईएलएफएस में घपले हुए तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो सीएजी डीपीसी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। पर आप मानते हैं कि बैंकों का ऑडिट होना चाहिए और काफ़ी कुछ बैंकों में अभी पता नहीं चल रहा है, कार्य प्रणाली पर असर पड़ने के नाम पर इन्हें रोका जाना उचित नहीं है। जैसे आप लोगों की और भी दुनिया में ऑडिटर्स की संस्थाएं होंगी, दुनिया में बहुत सारे बैंक के रेगुलेटर हैं ही, तो क्या उन देशों में आपकी जानकारी के क्षेत्र में ऑडिट बैंकों का नहीं होता होगा? देखिए, बैंक का ऑडिट तो अभी भी होता है, सीएजी नहीं करता, लेकिन बैंक का ऑडिट तो अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो ये कहना कि वो ऑडिट ठीक नहीं हो रहा है जनरली, तो मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। और मेरा अपना विचार तो ऐसा रहा है कि हमको सीएजी को आरबीआई का भी ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की ओवरसाइट बैंकों के ऊपर है। इस तरीके का भी एक बार बात हुई थी, लेकिन वो बात वहीं के वहीं दब गई। पोलैंड में मुझे पता है कि पोलैंड का जो सीएजी हैं वो पोलैंड के सेंट्रल बैंक का ऑडिट करते हैं, यहाँ तक कि वो जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह हैं उन पर भी कमेंट देते हैं। तो अब हम उसमें कहाँ तक जा पाएंगे ये सब डिपेंड करता है कि सीएजी को कितना अधिकार सीएजी डीपीसी एक्ट के द्वारा मिलता है। अगर सीएजी के डीपीसी एक्ट में इस समय खाली उन जगह के ऑडिट का प्रावधान है जहाँ का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, तो अगर ये एक्ट बदल जाता है तो बिल्कुल सीएजी ऑडिट कर पाएगा। पर सर, आप ये भी हम जानना चाहते हैं अनुपम जी कि ये रिपोर्ट जो बनाने की प्रक्रिया है, हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं, और जो देरी से पेश की जाने वाली खबरें हैं, क्या ये वाकई चिंता में डालने वाली बात है? जो देरी की जो बात है उसमें 18 से 24 महीने की जो देरी है वो लोग कैसे समझें? अब ये 18 से 24 महीने की अगर देरी है तो वो वाकई चिंता का विषय है। 18 से 24 की क्या, अगर कोई भी देरी है वो चिंता का विषय है। अब अगर आप थोड़ी पूरी प्रक्रिया देखें तो जब ऑडिट शुरू होता है वो जो भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं उससे काफ़ी समय के बाद ही शुरू होता है। फिर जब हम ऑडिट मेमो इशू करते हैं तो कई बार तो क्या होता है, हमको रिकॉर्ड मिलने में ही दिक्कत आती है। यहाँ पर भी सीएजी के डीपीसी एक्ट में सिर्फ इतना प्रावधान है कि सीएजी किसी भी रिकॉर्ड को मांगने में सक्षम है, लेकिन वहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर उनको वो रिकॉर्ड ना मिले तो वो क्या कर सकते हैं। और कई बार होता है कि ऑडिट करने जाते हैं तो हमको रिकॉर्ड ही नहीं मिलते। और मेरा ये मैंने मुझे याद है कई बार ये स्थिति आई कि हमको रिकॉर्ड नहीं मिले तो हमने आरटीआई के अंदर बोला कि अच्छा रिकॉर्ड मांग लो, क्योंकि आरटीआई में पेनल्टी डाली हुई है। और सीएजी के पास तो अभी ऐसी कोई पेनल्टी का भी प्रावधान नहीं है कि अगर सीएजी की ऑडिट पार्टी को रिकॉर्ड ना मिले तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जा सके। तो पहली डिले तो वहाँ पे होती है ऑडिट में रिकॉर्ड ना मिले। फिर जब ऑडिट रिपोर्ट हमारी शुरू में ऑडिट मेमो बनता है उसके ऊपर हमको उनके जवाब चाहिए होते हैं, वहाँ पर डिले होती है। तो ये डिले का प्रोसेस तो शुरू से ही हो जाता है। अब ये जो 18 से 20 महीनों की डिले की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं ये कहाँ तक ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सीएजी की रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री पर जाती है तो मैंने शुरू से ही देखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अधिकतर उनको सेशन के अंत में डालती है। तो अगर हमने सेशन के कुछ समय पहले भी उनको रिपोर्ट भेज दी तो 30-40 दिन की डिले तो उसमें हो ही जाती है। अब इसमें एक सुझाव हमने जो संशोधन भेजा था मिनिस्ट्री को, उसमें ये डाला था कि अगर रिपोर्ट उस पर्टिकुलर सेशन में नहीं दी जाती तो इट शुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट, ऐसा करके एक्ट में बदलाव लाया जाए। बट जैसा मैंने आपको बताया कि एक्ट तो वहाँ का वहीं है, कोई चेंजेस आई नहीं है। तो जानबूझ के मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ कि कितने संशोधन की ज़रूरत है, और जानबूझ कर ये भी है कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए चीज़ें समय पर ना मिलें और वो मिल जाएं तो उन्हें सार्वजनिक करने की जो गुंजाइश है उनके हाथ में ज़्यादा रहे, रिपोर्ट बनाने वाली संस्था के हाथ में नहीं। पर देरी के अलावा जो संख्या में कमी आ रही है,
खासकर जिस तरह से वायर और स्क्रोल में की दोनों की रिपोर्ट में दिखा है कि जी 2018 के बाद से ज़्यादा कमी आ रही है। 2010-11 में जहां 200 से अधिक रिपोर्ट बना करती थी, अब उसकी संख्या 90 से भी कम हो गई है। देखिए, रिपोर्ट बनाने की संख्या कम होना मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, अगर रिपोर्ट की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि अगर हम संख्या पे जाएं तो खूब सारी संख्या आ जाए, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी मुश्किल होता है अगर ज़्यादा रिपोर्ट होती है, वो इतनी रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर कम भी संख्या है, वो बिहारी का दोहा है ना कि जो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ऑडिट रिपोर्ट तो छोटी हो और गंभीर गांव करे, वही बात आती है। तो नंबर से मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ता है, पर कई बार लगता है कि वो कौन से सेक्टर हैं, कई मतलब बहुत नियमित रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर सेंटर सेक्टर की नहीं दिखती है। एक जगह दिखती है, कई जगह नहीं दिखती है, एक बार दिखती है अगली बार नहीं दिखती है। देखिए, ऑडिट जो किया जाता है उससे पहले हमारी एक ऑडिट प्लान बनती है। ऑडिट प्लान बनाने में हम लोग ये ध्यान देते हैं कि कौन से सेक्टर हैं जिनका ऑडिट पिछले सालों में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ऑडिट एक टेस्ट ऑडिट होता है। हम लोग सारे डिपार्टमेंट का हर साल तो ऑडिट नहीं कर सकते, तो टेस्ट ऑडिट की जो प्लान बनती है उसमें जो ऑडिट पिछले कुछ सालों में नहीं हुए होते हैं उनको अगले साल के लिए चुना जाता है। तो ये आवश्यक नहीं कि हर एक प्रोग्राम का या हर एक स्कीम का हर साल ऑडिट हो, तो एक प्लान के हिसाब से होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई सेक्टर है जिनका कई साल से ऑडिट नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो अगले साल उनका ऑडिट प्लान में आ जाएगा। ऑडिट प्लान तो ऑडिट प्लान बनाना तो एक हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिट करने के लिए। ऑडिट प्लानिंग में कौन कौन से विषय अगले साल के ऑडिट में लाने हैं, इसकी तो एक बड़ी इलेबोरेट प्लान बनती है। क्या इसमें आप गिरावट देख रहे हैं कि जिस तरह की मुखरता पहले की रिपोर्ट में होती थी या नहीं होती थी, आप बेहतर बता सकते हैं, वैसी मुखरता अब है या नहीं है? क्या रिपोर्ट में देखने के प्रश्नों को अब बदल दिया गया है, कुछ नए प्रश्नों के हिसाब से अब रिपोर्ट देखी जा रही है? देखिए, रिपोर्ट में मुखरता या गुणवत्ता है या नहीं, ये तो जब तक मैं पूरी रिपोर्ट ना पढ़ूं तो मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो मैं ज़रूर कुछ रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करूँगा और देखना चाहूँगा कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी रिपोर्ट में कहीं भी कोई कमी आई होगी, क्योंकि हमारे जो पूरे ऑडिट का प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस है और बहुत ही सेट, कई सालों से वो सेट प्रोसेस है। और हम जो ऑडिट में बात करते हैं उसमें कहीं पर भी ये संभव ही नहीं है कि फैक्ट के ऊपर कोई हमारे पे उंगली उठा सके। फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन, फरवरी 2020 की जो रिपोर्ट है डिफेंस वाली जी, जो मीडिया में छपी है कि उसमें बताया गया है कि सैनिकों के कैलोरी इनटेक में कुपोषण में कमी आ गई है, 82% कमी आ गई है जी, स्नो ग्लव्स नहीं है उनके पास, बूट नहीं है, बहुत तरह की चीजें नहीं है, इक्विपमेंट देने में 4-4 साल की देरी हो रही है, और सेना कह देती है कि नहीं ये सारे आंकड़े पुराने हैं। आप कह रहे हैं कि आपके आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है? नहीं, तो ये तो जो आंकड़े हैं हमने उन्हीं की फाइलों से लिए होंगे ना। जो भी हम आंकड़े रहते हैं वो आंकड़े उन्हीं की फाइलों से लेते हैं, और आंकड़ों में गलती होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपने डिपार्टमेंट में 37 साल नौकरी करी है और एक समय में भी ऐसा नहीं देखा कि कहीं हम कोई फैक्ट देने में गलती कर गए हों। फैक्ट के इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल होता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूटिव का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो, लेकिन फैक्ट में गलती होने का तो मैं नहीं समझता कोई सवाल आता है। सर, अरुण जेटली जी का वो नहीं है, लेकिन उनका ही एक बयान था कि सेंसनलाइज सनसनीखेज नहीं बनाना है, हेडलाइन सीकिंग नहीं करना है, और देखिए आप सिर्फ इतना कि वो चीज़ें जो फैसला जो पहले हो चुका है वो प्रक्रिया के तहत फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सीएजी का मैंडेट है, या सीएजी जब देखती है तो वो किन बातों को देखती है? देखिए, 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो ये होता है कि जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा बजटेड था या नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि उन्हीं मत पे खर्चा हुआ जिन मत पे होना था। तीसरी चीज़ आती है कि जिसने खर्चा करा क्या वो कॉम्पिटेंट था खर्चा करने के लिए। और चौथी बात आती है कि खर्चा जो हुआ है उसमें फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का ध्यान रखा गया है या नहीं, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से डिफाइन करें,
कि भारत जो भी व्यक्ति सरकार का पैसा खर्च करता है वो उस हिसाब से पैसा खर्च करे, जी उसमें उतना ध्यान लगाए जितना कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करने में लगाता है, वो प्रोप्राइटी का मेन उसूल है। तो बेसिकली सारी चीज़ें मिला के प्रोप्राइटी की बात आती है कि उस खर्चे का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर आप स्कीम की बात कर रहे हैं, मनरेगा है तो मनरेगा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला, और जो उससे काम होना चाहिए था वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो सारा का सारा ऑडिट, जो भी स्कीम का ऑडिट होता है, उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो जी अनुपम जी, रफाल के समय 60 नौकरशाहों ने एक पत्र लिखा था सीएजी को लेकर कि चुनाव के चलते ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो रही है। क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी संस्था बदलती जा रही है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि संस्था बदलती जा रही है, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट हैं जो डिस्कस भी हुई हैं, आई भी। ये ज़रूर हुआ है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग जो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो पिछले 8-10 सालों से बंद हो गई हैं। इनफैक्ट वो तो मैं समझता हूँ 2013 से ही बंद हो गई हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना एक मैं समझता हूँ आवश्यक होता है, ताकि रिपोर्ट पब्लिश होते ही मीडिया के पास वो रिपोर्ट जाए। लेकिन जो ये 60 लोगों का, 60 ब्यूरोक्रेट्स की चिट्ठी लिखने का सवाल है, इसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि ये कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा हो जाता है। फिर पर आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई है। जी वो बंद, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किया करते थे, शायद आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है। लेकिन जी ऑडिट जो है, अगर हम ऑडिट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ऑडिटी उसको अपने लिए बनाना चाहे। अगर हम ऑडिट में कुछ भी कहते रहें और ऑडिटी उन रिपोर्ट को ध्यान में ना लाए तो ऑडिट तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि सीएजी इज ओनली ए बार्किंग डॉग, और सीएजी के पास कोई पावर नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट सीएजी, आर्टिकल 149, दैट सीएजी हैज अ ड्यूटी टू ऑडिट। तो सीएजी जो करता है वो उसमें ड्यूटी है, कहीं पर भी सीएजी को कोई पावर नहीं दी हुई है किसी भी तरीके, कहीं और दी गई है, किसी और देश में दी गई है, दी गई है, बहुत जगह दी गई है। सीएजी समन कर सकता है, सीएजी एक्शन ले सकता है, सीएजी सरचार्ज कर। भाई आप और देश की क्यों बात कर रहे हैं, हमारे देश में ही लोकल गवर्नमेंट के ऑडिट में कई प्रदेशों में ऑडिट को सरचार्ज की पावर दी हुई है। तो अच्छा। आप राजस्थान का एक्ट उठा के देखिए, केरल का एक्ट उठा के देखिए, उड़ीसा का एक्ट उठा के देखिए, वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट ऑडिट है जो प्रदेश सरकार के अंदर में आता है उनको तो सरचार्ज की पावर दी हुई है। तो सीएजी को खाली हम लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी दी है और पावर कोई नहीं है सीएजी के पास। तो सीएजी के ऑडिट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए सवाल उठता है कि सरकार कितनी अकाउंटेबिलिटी लाने में लाने का सोच रही है। अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लाना चाहती है तो कहाँ से अकाउंटेबिलिटी आ पाएगी, कहाँ से आएगा? क्या आपको लगता है किसी संदर्भ में जो सीएजी की जो कल्पना है हम सबके मन में कि वो निहायत ही स्वायत्त संस्था है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए अब चयन की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए? जैसे कि अगर आप इसमें यह भी बता दें कि बाकी देशों में किस तरह से होता है तो थोड़ी और स्पष्टता आ जाए हमें समझने में। चयन की प्रक्रिया में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और एक तो ये है कि चयन एग्जीक्यूटिव क्यों करे। यूनाइटेड नेशन ने एक अपना रेजोल्यूशन पास करा था 2011 में, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा था कि भाई सीएजी का चयन जो है वो एग्जीक्यूटिव से हटके होना चाहिए, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे देश में जो प्रक्रिया दी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सीएजी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उसमें कहीं ये स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कि उसकी कोई एक कमेटी बने, कमेटी रिकमेंड करे। अब आप देखिए सीआईसी में, सीवीसी में, हर एक में एक ना एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी कुछ नामों को देखती है, लेकिन सीएजी के अपॉइंटमेंट में कोई कमेटी नहीं बनाई हुई, पहली बात। दूसरी बात, एक मैं समझता हूँ 2000 में एक नेशनल कमीशन बैठा था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक तो ये कमेटी की बात करी थी, और दूसरी बात उन्होंने करी थी कि कहीं एक इस तरीके का प्रोविजन आए कि सीएजी में एक यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन के बजाय एक बोर्ड हो जाए, ताकि एक के बजाय वहाँ पे 3 मेंबर हों, और इसका भी उन्होंने उस पर चर्चा करी थी। अब वो भी 2001 की रिपोर्ट है, लेकिन मैं नहीं समझता उस रिपोर्ट पे आगे सरकार में कहीं भी कोई कार्यवाही हुई है। तो
तो इशू ये उठता है कि अगर सरकार ऑडिट को स्ट्रेंथन करने के लिए या ऑडिट के थ्रू आई हुई जवाबदेही को अमल में लाने के लिए कोई आगे चीज नहीं बढ़ाना चाहती तो ऑडिट तो इनइफेक्टिव हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, ये बात समझ में आए कि सरकार की पारदर्शिता के दावों का भी इम्तहान है कि वो किस तरह से ऑडिट यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो हैं अंकेक्षण आप लोग करते हैं उसकी स्वायत्तता स्वतंत्रता वो खुद बनाकर देती है। और आपने बहुत ही एक दिलचस्प बात कही कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया है कि विपक्ष के नेता होंगे ये होंगे चुनाव आयोग में, लेकिन इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था की नियुक्ति की कोई स्वतंत्र या स्वायत्त सी लगने वाली प्रक्रिया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, अब हम लेते हैं एक ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का गुजरात मॉडल भी नाकाम रहा है। राज्य में अब तक करीब 67,000 कोरोना के केस सामने आए हैं और 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार 15वें दिन राज्य में 1,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। इनमें से 237 सूरत, 161 अहमदाबाद, 115 बड़ोदरा और 80 केस राजकोट के हैं। ये सभी राज्य के सबसे बड़े शहर हैं। अहमदाबाद में तो बीती रात कोरोना के 8 मरीज एक आग हादसे में जान गंवा बैठे। ये आग कोविड के मरीजों के इलाज के लिए तय अस्पताल के आईसीयू में लगी। मारे गए सभी मरीज आईसीयू में ही एडमिट थे। इनमें 4 मरीज 60 साल के ऊपर के थे, बाकी 41 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और मामले की जांच के लिए सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। अहमदाबाद के नवरंगपुर इलाके के एक निजी कोविड अस्पताल श्रेय हॉस्पिटल के आईसीयू का हाल, बुधवार गुरुवार की देर रात करीब 3 बजे जब अस्पताल के सभी मरीज गहरी नींद में थे तो अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता पूरा आईसीयू आग की चपेट में आ गया। यहां दाखिल 8 कोरोना मरीजों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। 5 पुरुष और 3 महिला मरीज आग में झुलस गए और वहीं दम तोड़ दिया। इनमें 4 मरीज तो 60 साल के ऊपर के थे। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। आईसीयू में कुछ नहीं बचा, बेड मशीनें तार सब कुछ जलकर खाक हो गए। हमको खुद को यह मालूम पड़ता है 7-10 बजे कि हमारा खुद का पेशेंट है 7-10, तब हम यहाँ आते हैं। अच्छा कितना रुपया लीजा ला था? 100,000 एक इंजेक्शन ना लीजा जी हमने, बीजा तो 30,000 अलग। एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। अहमदाबाद दमकल विभाग के एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि स्टाफ के एक कर्मचारी की पीपीई में भी आग लग गई थी। वो उसे बुझाने के लिए भागा लेकिन आग पूरे वार्ड में फैल गई। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची तब जाकर अस्पताल की आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के वक्त अस्पताल में 49 मरीज थे, बाकी 41 मरीजों को तुरंत वहां से निकाल लिया गया और शहर के सरकारी वल्लभ भाई पटेल अस्पताल भेज दिया गया। क्या पुराना था, क्या नया था, क्या उसका कारण था, ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उच्चतम अधिकारी राज्य सरकार के हैं उनकी कमेटी बनाई है और वो जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करेंगे। अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 में से 1 ट्रस्टी भरत महंत को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब आग से बचाव के उपायों को लेकर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल लेती हो तो तारे ये लोगों ने सुरक्षा अपनी, जब प्राइवेट अस्पताल पेशेंट ले रहे हैं तो क्या उन्हें ट्रीटमेंट सही से नहीं मिलना चाहिए? इनकी जिंदगी पर कोई जोखिम ना रहे ये देखने की जिम्मेदारी अस्पताल के मालिक की नहीं है, ये सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही है। हॉस्पिटल एक मोटी जवाबदारी आवे छे, भी जवाबदारी आवे छे। मरीजों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इस मामले में ऐसी कोशिश नहीं हुई है। कई अस्पताल में भी इस प्रकार की लापरवाही है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अगुवाई में एक कमेटी बना दी है, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री और अहमदाबाद के मेयर से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में आग की इस घटना ने 15 महीने पहले सूरत के आग हादसे की भयानक याद ताजा कर दी है। सूरत के सरथाना इलाके में 24 मई 2019 को तक्षशिला कॉम्प्लेक्स नाम की एक 4 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल में आग लग गई थी। हादसे में ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे 22 छात्रों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे। 4थी मंजिल तक पहुंचने की एक ही सीढ़ी होने की वजह से बच्चे नीचे नहीं उतर पाए थे। उस मामले में पुलिस ने नगर निगम कर्मचारियों, बिल्डर और ट्यूशन संचालक समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक तंत्र की और अधिकारियों की कुछ भी आँख खुली नहीं है, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान जा रही है और सरकार और तंत्र हाथ पे हाथ देके बैठी है। तक्षशिला अग्निकांड घटना को आज 15 माह बीत चुका है, फिर भी कोर्ट में उसकी कार्यवाही जो चलनी चाहिए, जितनी स्पीड से होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, कपड़ा मार्केट और कोचिंग सेंटर्स के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन लगता नहीं कि सरकार के उन आदेशों पर कुछ खास अमल हो पाया है। मनीष पानवाला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।